समर्पित क्या है, समर्पण माने क्या है? जैसे राम के गाय श्याम को बेच दिया, तुम्हारा गाय है ना, तुम खिलाते हो पिलाते हो, चिंता करते हो, उसको पानी देना है, ये करना है, वो करना है, भूस देना है, समय पर चिंता रहती है। जब तुमने बेच दिया, बेचने के बाद अब तुम्हारा ये अधिकार है नहीं वहां जाके उनसे बोलना जे भाई तुमको हमने गाय बेच दिया और तुम उस गाय को ठीक समय पानी नहीं देते हो, धूप में पटक के रखते हो, पानी नहीं देते हो, भूस नहीं देते हो, खाने नहीं देते हो, डंडा भी मारते हो, भाई ये तो ठीक नहीं, तुम्हारा चलेगा नहीं। क्यों? वो गाय अब तुम्हारा नहीं, तुमने बेच दिया, ठीक है ना, तुम्हारा अधिकारी है नहीं। समर्पित उसको कहते हैं जो अपने आप को बेच देता है, वो अपने लिए चिंता करने का उसका कोई अधिकार नहीं है। दृष्टा बन जाओ, देखो प्रभु क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, भला बुरा जो भी है, जो भी हो रहा है, प्रभु की इच्छा जो होगी, प्रभु की इच्छा जो हो रही है, प्रभु की इच्छा, ऐसे जान करके तुम्हारा अधिकार नहीं है चिंता करने का। चिंता आ गई है तो समझना भी समर्पण हुआ नहीं। समर्पण सबसे कठिन साधना, लेकिन समर्पण किसी ने हो गया तो समझ लेना निश्चिंत हो गया। समर्पण माने निश्चिंतता, जब तक चिंता है तब तक समर्पण नहीं, सीधा बात। तो हमारा मेरा भजन नहीं हो रहा है, मेरा वैसे तल्लीनता नहीं आ रहा है, ऐसे चिंता आना भी समर्पण की कमी है। देखो ये तो होगा, ये तो पूर्ण समर्पण तो पहले होता नहीं है। पूर्ण समर्पण तो ये तो अंतिम स्थिति है जहां जाके निश्चल हो जाता है। तो इस स्थिति में थोड़ा अहंकार तो रहता है ना, जब तक अहंकार है तब तक क्रिया है, तब तक चेष्टा है। अब अहंकार धीरे धीरे शांत होता जाता है और क्रिया भी धीरे धीरे शांत होता जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्रिया एक माने प्रभु करा रहे हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं है, कर्म करते हैं अपने लिए कोई कर्म नहीं है, तुम करा रहे हो, तुम्हारे कर्म हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, हुआ तो आनंद नहीं, नहीं हुआ तो कष्ट नहीं, कुछ मिल गया तो उसमें आनंद नहीं। कल को जो साधु आए थे कैसे संभव बताओ, तुम बताओ कैसे संभव, कैसे संभव बताओ तुम, कौन मनुष्य शरीर में ऐसे संभव? कल एक साधु आए थे हमारे यहाँ, हमारे भतीजा जिला पानी नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, रात में सोता नहीं, निद्रा नहीं, सब नेगेटिव, सब छोड़ दिया, पानी नहीं पीता, एक बूंद भी पानी नहीं, और प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलता है, अभी जाएगा सारा भारत भ्रमण का, अभी चल रहा, कल आया हमारे यहाँ आके बोलता हम जाएंगे अभी बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रिक आश्रम। हम बोले तुम इतना कैसे जाओगे, चले जाएंगे इतना दिन में, हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां से यहाँ पहुंचेंगे, रात 12 बजे 12:30 बजे। हम बोले भाई तुम यहाँ सो जाओ, निद्रा नहीं, निद्रा भी नहीं, हद हो गया, हमने तो भाई सोता भी नहीं, दिन में सोता नहीं, रात में सोता नहीं, दिन में खाता नहीं, रात्रि खाता नहीं, पानी भी पीता नहीं, लव चल रहा है सब स्वभाव प्रभाव में एकदम, जैसे एक अतिंद्रिय जगत में जैसे डूब गया है, सब आग देखो ऐसे देखो, कहीं दिखता ही नहीं कुछ, कभी उसका पानी कुछ सुनता ही नहीं, कैसे संभव? कौन तो प्रति जानी न मैं भक्त प्रणश, जो मेरे शरण में रहता है, मैं हम में जो सब कुछ समर्पण करके हमारे होके जीता है, तो उसको हम नष्ट होने नहीं देते हैं। तो जो समर्पित आत्मा होते हैं वो अपने लिए चिंता करते नहीं, यह है समर्पण। तो जब तक कर्तृत्वपन है, अहंकार है, तब तक चेष्टा भी है, ये रहेगा, ये रहेगा जब तक तुम में कमी दिखता है तो उसमें, लेकिन चेष्टा जो है ना, चेष्टा तो करना है लेकिन मैं करता हूं ऐसे भाव नहीं। चेष्टा में क्या भावना रहनी चाहिए? नहीं, प्रभु करा रहे हैं हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा प्रभु अपने काम करा रहे हैं, हम करता नहीं है, बस ये भावना। चेष्टा करते खूब, भजन नहीं हो रहा, रात जाग करके माला करते हैं, भजन करते हैं, भजन अनुष्ठान जो भी नाम जप ध्यान धारणा उपासना जो भी करते हैं करते हैं, लेकिन उनके भावना कैसी है? समर्पित आत्मा प्रभु करा रहे हैं,
कर रहे हैं हम, लेकिन उनके भावना क्या है, प्रभु करा रहा है। भजन नहीं हुआ तो रोते हैं, आज हमसे कोई अपराध हो गया जिस कारण प्रभु हमारे द्वारा नाम शंखा या भजन नहीं कराया, ऐसे बाबा यह समर्पण है। तुम्हारा चिंता करने का अधिकार ही नहीं है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, दृष्टा जरूर इस पे कोई मंगल है, प्रभु का मंगल है, ये जान करके वो दृष्टा बन के देखते रहते हैं। प्रभु हमको अवश्य रक्षा करेंगे, हम उनके शरण में है, देखते रहते हैं। दृष्टा बनना ही समर्पण है, कठिन काम है दृष्टा बनना। समर्पण माने दृष्टा, क्यों हमारा कोई कर्तृत्व ही है नहीं, चिंता करेंगे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, अधिकारी नहीं है तुम्हारा, हमने समर्पित है आप प्रभु जाने क्या करेंगे हमारे द्वारा, तुम्हारे पर हम तो तुम्हारे हैं, जो करा करा चंद्र के पुतला बना करके शंकर चक्र में घुमा रहे हो। दुख से अनंत विघ्न मना सुख से विगत स्प्रिया वितरक भय क्रोधा स्थित धीरे मन रुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं है, दुख से अनंत विघ्न मना, कठिन है भजन, एक क्रिया नहीं है भजन, है एक मन की स्थिति, मन की स्थिति भजन है, क्रिया नहीं। भजन है भावनात्मक, क्रियात्मक नहीं। क्रिया कब तक न, क्रिया भावना में प्रवेश करता है, क्रिया जाके धीरे धीरे भावना में प्रवेश करता है, उसके बाद क्रिया छूट जाता है, क्रिया समाप्त। क्यों मन अतिंद्रिय जगत में प्रवेश कर जाता है, तो इंद्रियों से, इंद्रियों जो है हमारी इंद्रिय वृत्ति, उसका मालिक कौन है, मन। मन के द्वारा हम देखते हैं, मन के द्वारा सुनते हैं, मन ही मालिक है। उस मन जब भगवत चरण में एक तल्लीनता तन्मयता, तो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। इंद्रिय जो क्या करेगा, अभी यही देखते हैं, हमारे हमारे पास ही ऐसे ऐसे देखते हैं, सब देखते हैं। एक मैया भजन में एक तल्लीनता, आए हैं कुटुंब, घर में रिश्तेदार आए हैं, बुला रहे हैं और भजन में है, बुला रहे हैं तुमको, बुला रहे हैं लोग आए हैं तुम निकलो, और वो तो उस स्थिति अलग, घर से निकले हैं उसको पता नहीं कौन आया क्या आया, मन तो वही जगत में है ना, सामने मिला अपना बच्चा, सोचा ये कुटुंब आया है, बच्चा को पकड़ के कहते कहाँ ठीक हो ना, घर में सब ठीक है ना, कब आए हो, कैसे आए, और कौन कौन आया। बच्चा कहते माँ तुम किसको क्या कह रहे हो, माँ तुम ओ रे तुम्हारा बच्चा, अपने बच्चा को कुटुंब समझ करके उनको ही पूछ रहे हैं तुम कहाँ से आए, तो घर में ठीक है ना, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी आए कुटुंब है से बात करना है, लेकिन मन तो उस जगत में ना। और एक भैया है रसोई घर में गया, अब रसोई करेंगे चिंता कर रहे हैं, हम किस लिए आया, हम रसोई घर में क्यों आया, अब चिंता करने लगे, अब हमको क्या करना है, मन तो उस जगत में है ना, अब रसोई करने के लिए मन तो यहां होना चाहिए ना, तो मन तो वहां खो गया, अब आधा घंटा खड़े हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ, रसोई घर में क्यों आए हैं, ऐसे बोलो। ऐसा होता है ये जब मन उस जगत में चला जाता है, ऑटोमेटिक हमारी समस्त इंद्रिय वृत्ति जो है ना यह निष्क्रिय हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं समर्पण। जब तक थोड़ा सा भी अहंकार है तब तक कर्मचेष्टा है, कर्मचेष्टा रहेगा, यह निष्क्रिय नहीं होता है, लेकिन हो जाता है, जब हो जाता है तब हो जाता है, जब तक नहीं होता है तब तक चेष्टा करके निष्क्रियता नहीं, चेष्टा के द्वारा निष्क्रियता नहीं, वो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, इसको कहते हैं समर्पण।